दोस्तों आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में। अगर आप भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक नहीं जाना चाहते हैं, घर बैठे आपका अकाउंट ओपन हो जाए और उस अकाउंट के अंदर आपको एक रुपया भी मेंटेन करना ना पड़े, तो आप यहां पर फेडरल बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिये, वैसे तो फेडरल बैंक की तरफ से बहुत सारे आपको सेविंग अकाउंट मिल जाते हैं जिनके अंदर बैलेंस मेंटेन करना भी पड़ता है और जिनके अंदर एक रुपया भी मेंटेन आपको करना नहीं पड़ता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो फेडरल बैंक के अंदर अपना एक फेड सेल्फ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट आपको पेवर जीरो बैलेंस अकाउंट देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है यह है कि अगर आप एज ए प्राइमरी बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर एज ए सेकेंडरी बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तभी दोनों कंडीशन के अंदर अपना फेडरल बैंक के अंदर फेड सेल्फ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पर ये अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत आसानी के साथ में 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ अकाउंट ओपन करने के लिए लाइक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो समझ लीजिए कि 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारी आपको बैंकें मिल जाती हैं और सभी बैंकें कोई ना कोई आपको जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराती हैं। उससे पहले बता दें कि फिनकेयर स्माइल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको पता होगा, अभी तक की सबसे ज्यादा इसके अंदर अकाउंट ओपन किया जा रहा था क्योंकि वहां पर आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल रहा था, वहां पर तुरंत आप मोबाइल बैंकिंग को चालू कर सकते थे। लेकिन फाइनली फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बंद कर दिया गया है क्योंकि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और ही स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहां पर टाई अप हो चुका है। तो अब इसके बाद में यहां पर जब से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बंद करा गया, उसके बाद में सबसे ज्यादा अभी के टाइम पर फेडरल बैंक के अंदर अकाउंट को ओपन किया जा रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ही कि अगर आप फेडरल बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आपका ये वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा, इंस्टेंट ही दोस्तों बैंक की तरफ से आपको अकाउंट नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद में आप इसकी मोबाइल बैंकिंग पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फेडरल बैंक की तरफ से आपको एक डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर फेडरल बैंक के अंदर अपने को एक अकाउंट कैसे ओपन करना है। आप देखिए दोस्तों, फेडरल बैंक के अंदर अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो एक पॉपअप मिलेगा, इसे आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, 3 लाइन के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर ओपन एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको टोटल 3 प्रकार के ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला तो पर्सनल एनआरआई बिजनेस अकाउंट आपको मिल जाएगा, लेकिन अपने को एक यहां पर एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो हम यहां पर पर्सनल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक्सप्लोर मोर का और ओपन नाउ का। तो आपको यहां पर ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे तो यहां पर इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको 24 घंटे का पूरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए लाइक आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर आपको पेपरलेस सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहां पर जैसे थोड़ा सा पेज को आप ऊपर को स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन योर अकाउंट नाउ, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहां पर सबसे पहले नंबर पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि फेड सेल्फ अकाउंट आपको मिल जाएगा। और यहां पर भी आपको बताया गया है कि ये अकाउंट आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा, ये अकाउंट आपका 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन हो जाएगा, बैंक वगैरह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं उसके नीचे आपको एक ओपन नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, ओपन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में इस अकाउंट को ओपन करने के लिए लाइक आपकी एज जो है वो 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये इंस्टेंट अकाउंट ओपन होगा, मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड मिल जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट वगैरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर अकाउंट के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दी गई है, आप यहां पर कायदे से यहां पर रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर हम जैसे पेज को थोड़ा सा ऊपर को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम में टाइप कर देना है, लेकिन आपका जो भी कंट्री का कोड है, कंट्री कोड सहित, जैसे हमारे केस में अगर आप इंडिया के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो +91 लगाएंगे, उसके बाद में मोबाइल नंबर को टाइप करेंगे।
यहाँ पर दोस्तों दोनों ये वाला जो कैप्चा देखने को मिल जाएगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। बैंक की तरफ से आपको दो कंसर्न मिल जाएंगी, दोनों बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों आपने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी टाइप करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बैंक की तरफ से आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगी, तो बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, तो पहले कॉलम में आधार नंबर को टाइप करेंगे, दूसरे वाले कॉलम में अपने पैन नंबर को टाइप कर देंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आप वाली ओटीपी आप यहां पर टाइप करेंगे। इसके बाद में यहां पर कैप्चा शो हो जाएगा, ये वाला कैप्चा आप यहां पर टाइप कर देंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड के बेसिस पर यहां पर आपका फोटो, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका आधार नंबर मिल जाएगा। नीचे दोस्तों पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो नाम यहां पर शो हो जाएगा। इसके बाद में आप यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर कुछ आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, लाइक सबसे पहले दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, पिताजी का नाम टाइप करेंगे, माताजी का नाम टाइप करेंगे, मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंगल हैं फिर मैरिड है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आपका आधार वाला एड्रेस और आपका कम्युनिकेशन अगर एड्रेस सेम है तो आप इस वाले बॉक्स पर चेकआउट कर देंगे, तो जो नीचे का एड्रेस है वो आपको यहां पर फिल करना नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस कोई दूसरा है और आपका कम्युनिकेशन कोई एड्रेस दूसरा है तो आप यहां पर एड्रेस लाइन वन में, एड्रेस लाइन टू में एड्रेस को फिल करेंगे, स्टेट, सिटी और पिन कोड टाइप कर देंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर ऊपर देख सकते हैं कि नॉमिनेशन ओपेटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको यहां पर नॉमिनी का नाम टाइप करना है तो नीचे देख सकते हैं नॉमिनी का नाम टाइप करेंगे, नॉमिनी की जो भी एज है टाइप करेंगे और नॉमिनी का अकाउंट होल्डर का रिलेशन क्या है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर कुछ आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल को फिल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आप एम्प्लॉयमेंट टाइप में सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयड नाम भी आपको टाइप करना होगा। इसके बाद में आपकी जो भी मंथली इनकम है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आप एक साल में कितना आपका एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे अकाउंट डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किस ब्रांच के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना है ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे स्कीम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जो भी आपकी स्कीम हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। रेफरल कोड अगर आपको स्क्रीन पर मिल जाए तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, वरना इसे फ्री छोड़ेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों पेज हमारा फाइनली रिडायरेक्ट हो चुका है, ऊपर इंपॉर्टेंट का मैसेज मिल जाएगा और नीचे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो अकाउंट नंबर है बैंक की तरफ से प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आप इस अकाउंट नंबर का स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो लाइट सबसे पहले आपके रूम में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो स्टार्ट कॉल विद द एजेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक कर देंगे तो फेडरल बैंक की तरफ से जो भी एजेंट होंगे वो आपसे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में आपका नाम, पता, बेसिक जानकारी आपसे यहाँ पर पूरी पूछ सकते हैं, आधार कार्ड के बेसिस पर आपके से पूरी जानकारी पूछेंगे और इसके बाद में फाइनली दोस्तों आपका ओरिजिनल पैन कार्ड को चेकआउट करेंगे कि आपका पैन कार्ड असली है या फिर नकली है और इसके बाद में दोस्तों आपसे यहाँ पर सिग्नेचर करवाया जाएगा, एक आपका फोटो क्लिक किया जाएगा। इसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपकी जो सक्सेसफुल वीडियो के वजह से वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जो भी दोस्तों पूरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ईमेल आईडी पर और आपको एसएमएस द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद में आप इसकी मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं और इसके जरिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को भी आप रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना फेडरल बैंक के अंदर घर बैठे बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी तरीके से वीडियो के अंदर जानकारी समझ आ गई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।